गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? ज्योति मैम के बेबीज कैसे हैं? अच्छे हो? मैम भी बहुत अच्छी हैं। आपको पता है आज मैम आपके लिए क्या स्पेशल एक्टिविटी लेके आई है? ज्योति मैम आज आपको जूस डे क्राफ्ट एक्टिविटी कराएंगी। अब ये जूस डे क्राफ्ट एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम जूस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपको पता है ना, हम सबको जूस पीना चाहिए, क्योंकि जूस पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है ना। तो एवरी डे आपको 1 ग्लास ऑफ जूस पीना चाहिए। ओके, तो ये ब्यूटीफुल क्राफ्ट एक्टिविटी ज्योति मैम के साथ करोगे? आर यू रेडी? चलो अब स्टार्ट करते हैं और बहुत मज़ा आएगा। जैसे जैसे ज्योति मैम कर रही हैं, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही एक क्राफ्ट एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और फिर पिक्चर क्लिक करके ज्योति मैम को शेयर करनी है। ओके, स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले हमें वाइट शीट के ऊपर एक सर्कल बनाना है, और सर्कल के अंदर हमें एक और सर्कल बनाना है। नर्सरी किड्स ये ड्राइंग मम्मा से करवाएंगे या फिर उनकी हेल्प लेके करेंगे, बट प्रेप किड्स ये ड्राइंग एक्टिविटी खुद करेंगे। ओके, अब आपको सेंटर में एक और छोटा सर्कल बनाना है, और हमें छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ 2-2 स्टैंडिंग लाइंस बनानी है, और उनको स्लीपिंग लाइन से जॉइंट करना है। ओके, अब हमारे पास एक कुछ ट्रायंगुलर शेप्स बन गई हैं, है ना। तो अब हमें ऐसे ही बहुत सारी शेप्स इस बड़े सर्कल के अंदर बनानी है, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स की तरह बनेंगे। अगर आप चाहो तो 1 go में भी ट्रायंगल बना सकते हो, अदरवाइज 2 standing line and 1 sleeping line की हेल्प से ये शेप बनाएंगे। ओके, अब आपको ये ट्रायंगुलर शेप्स के अंदर स्टैंडिंग लाइंस बनानी है, ठीक है। स्टैंडिंग लाइंस बनाना तो बहुत इजी है, आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप 2 minutes में कर लोगे। ओके, सारे ट्रायंगल्स को हम ऐसे फिल करते जाएंगे। पहले आप पेंसिल से ड्राइंग करेंगे, और उसके बाद आप स्केच पेन से आउटलाइन करेंगे। एंड नर्सरी किड्स मम्मा आपको ड्राइंग करके दे देंगी, और फिर आप क्रेयॉन से आउटलाइन कर सकते हो। ओके, अब हम आउटर पार्ट जो है, जो ट्रायंगल्स के बाहर वाला पार्ट है, उसमें हम स्किन कलर फिल करेंगे। और स्किन कलर नहीं है तो आप कोई भी लाइट कलर फिल कर सकते हो। अब ज्योति मैम जैसे जैसे इस शेप के अंदर कलर करेंगी, आप भी मैम को फॉलो करते जाइए और कलरिंग करिए मैम के साथ, ठीक है। पूरी कलरिंग ओवर होने के बाद हम इस सर्कल को कट कर देंगे। ओके, अब ध्यान से देखो मैम कैसे कलर कर रही हैं, बट ध्यान रखना है आपको कि कलरिंग जो शेप्स मैम ने बनाई हैं उसके अंदर हो, बाहर ना निकले, वाइट स्पेस ना छूटे, और 1 direction में कलरिंग हो। ओके, कलरिंग ओवर होने के बाद अब मम्मा को आप बोलो कि वो सीजर से ये सर्कल कट करके आपको दे दें। ओके, ये हमने फ्रूट का एक स्लाइस बनाया है, जिसे हम अपने जूस के ग्लास पर ऊपर लगाएंगे, तो वो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। आज तो हम जूस डे एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमने एक पेपर कप लिया है, पेपर ग्लास लिया है। अब हम उसे सेंटर से हाफ कट करने वाले हैं। ओके, हम अपने
जो ग्लास है पेपर ग्लास, उसको टू पीसेस में डिवाइड कर देंगे। कोई भी कटिंग वर्क आपको नहीं करना है, आप मम्मा से करवाएंगे। फिर वन पीस को हम ऐसे किसी भी एक पेपर के ऊपर पहले रखेंगे ताकि हमारा टेबल डर्टी ना हो। फिर अपनी चॉइस का कोई भी हम एक पेंट लेंगे, ज्योति मैम ने पर्पल कलर लिया है, और स्पॉन्ज से हम डैबिंग करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, नर्सरी किट्स एंड प्रेप किट्स, पेंटिंग वर्क आपको खुद करना है। आपके पास घर में ज्योति मैम के जैसा स्पॉन्ज नहीं है, जो भी स्पॉन्ज घर में है आप वो यूज़ कर सकते हो, और अगर स्पॉन्ज नहीं है तो आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो डैबिंग करने के लिए। ठीक है, आप ब्रश से इसके ऊपर फिलिंग नहीं करोगे क्योंकि वो पेपर कप है, आप बहुत ज़्यादा वाटर मिक्स कर देते हो और फिर वो ख़राब होने के चांसेस है ना। तो आप स्पॉन्ज से थिक थिक पेंट लगाएंगे और बिल्कुल भी वाटर नहीं लेंगे। ठीक है, देखो ज्योति मैम कैसे कर रही हैं। और जब पूरा पेंटिंग वर्क ओवर हो जाएगा तो हम इसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे, और जब ये पूरा ड्राई हो जाएगा तब हम इसके ऊपर काम करेंगे। ओके, आप अपनी चॉइस से किसी भी कलर का पेंट ले सकते हो। यस, अब हमारा पेंट ड्राई हो चुका है। अब हम फेविकॉल की हेल्प से इस ग्लास को किसी कलरफुल शीट के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ज्योति मैम ने येलो कलर की शीट यूज़ की है। आपके घर में जो भी कलरफुल शीट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अपना फेवरेट कलर ले सकते हैं। फिर आपको इस ग्लास के बैक साइड पर फेविकॉल ऐसे लगाना है और फिर शीट के ऊपर ऐसे स्टिक कर देना है, और उसको थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है ताकि ये एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए। ओके, अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रॉ लेनी है। आप पेपर स्ट्रॉ भी ले सकते हो या फिर प्लास्टिक स्ट्रॉ भी ले सकते हो, उसमें भी हम फेविकॉल लगाएंगे और उसको इस ग्लास के अंदर हम स्टिक कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, मैम ने पहले वन लाइन फेविकॉल की लगाई है स्ट्रॉ के ऊपर और फिर मैम उसको ग्लास के अंदर ऐसे स्टिक कर देंगी। ओके, इसे भी हम थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे। अब स्टार्टिंग में जो हमने फ्रूट स्लाइस बनाया था उसको हम ऐसे कट करेंगे। देखो मैम कैसे कट कर रही हैं, आपको नहीं करना, ये मम्मा करेंगी आपके लिए। ठीक है, हमें ऐसे थोड़ा सा कट करना है ट्रायंगल, और ऊपर की तरफ हमें इसे ऐसे पेस्ट करना है। अब सेम एक्टिविटी हम दोबारा करेंगे, इस सर्कल के पीछे हम फेविकॉल लगाएंगे और फिर उसे स्टिक कर देंगे। अगर आपके घर में फेविकॉल नहीं है तो आप फेविस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, फेविकॉल लगाना है बैक साइड पर और ग्लास के एकदम साइड में आपको ऐसे फिक्स कर देना है और थोड़ी देर तक उसे होल्ड करके रखना है। ठीक है, अब आपको किसी भी कलर का पेंट लेना है। ज्योति मैम ने वाइट कलर का पेंट लिया, आप अपनी चॉइस से कोई भी पेंट ले सकते हो। और पेंसिल के बैक साइड से आपको इस ग्लास के ऊपर पैटर्न्स बनाने हैं। ठीक है, मैम ने स्लीपिंग लाइंस फॉलो की हैं, आप स्टैंडिंग लाइंस फॉलो कर सकते हो, कोई फ्लावर्स बना सकते हो, पॉल्का डॉट्स बना सकते हो, जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हो, बट आपको इस ग्लास को पेंट से डेकोरेट करना है। ओके, देखो ज्योति मैम कैसे कर रही हैं ध्यान से, और फिर आप भी कीजिए। ओके, अब हमारी जूस्टे क्राफ्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। कितना ब्यूटीफुल क्राफ्ट हुआ है ना आज, मज़ा आया आपको? वेरी गुड, अब आप पिक्चर क्लिक करके मैम को शेयर करना। ओके, बाय बाय।